चलिए कहाँ से होगी बुआ? क्वेश्चन नंबर 12 से। और आप लोग शांत रहेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन आपको 1 x square x 1 x square x 1 प्रूव करने के लिए आपको कह रहा है 1 - x³ का होल स्क्वायर। देखेंगे क्वेश्चन में इसमें कुछ सीखना है पहले, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। कह रहा फर्स्ट कॉलम में 1 x² x है, सेकेंड कॉलम में दिया है आपका कितना x 1 x², थर्ड कॉलम में दिया है x² x और कितना 1। प्रूफ कितना करने के लिए कह रहा हुआ 1 - x³ का होल स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम राइट साइड में वही बोले हैं कि डिटर्मिनेंट में राइट साइड को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे 1 का अगर क्यू लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। अब देखते हैं क्या है 1 का q - x का q, वैसे बोल सकते हैं ना। a³ - b³ जो है वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका फॉर्मूला a - b होता है ना, a² ab + b² यानी 1 - x इसके बाद ax + x² यही बन रहा है ना। और उसका क्या होगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट साइड में डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू दिया हुआ है, उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कौन सा एप्लीकेशन करने पर इसका कुछ पार्ट आ रहा है। तो R1, R2, R3 या C1, C2, C3। R1 क्या मैंने बताया, R1 समझ रहे हैं किसको बोलते हैं, इसको, R2 इसको, R3 इसको बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो R1 में R2 और R3 को जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 पहले से है, ये जुड़ेगा क्या होगा x, ये जाके जुड़ेगा ये x² तो देखिए हमारे उस क्वेश्चन का एक पार्ट मिल रहा है। इसका मतलब R1 में किसको किसको ले जाके जोड़ देना है, 2 और किसको, 3 को। समझ में आ रही है ना बात। कोई दिक्कत? चल ये भी वही बन जाएगा और ये भी वही बनेगा। होगा ना। चलिए अब क्या कॉमन आ रहा है इससे, देखिए तो कितना 1 + x + x² कहां से, रॉ नंबर 1 से। तो उसको लिखते हैं ना हम लोग ना, लिखेंगे फ्रॉम किस से, R1 से नहीं तो निकालिए। तो यहाँ बच जाएगा 1 x² x, यहाँ भी 1 x² बच जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना। आप देखेंगे यहाँ पे बच जाएगा 1 x और पुनः यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं बुआ, ध्यान देना है 1 - x भी हमारा एक पार्ट बन रहा है ना, फैक्टर है ना उसका aq - bq का। तो गौर करेंगे, हमने बताया था कि यदि कंसी अगर किसी एक रो या एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 1-1 हो जाए तो एक कॉलम को स्टॉप करते हैं और उसको अन्य दो में ले जा करके क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अप्लाइंग C2 goes to C2 में किसको घटा लेंगे, इसमें से इसको, एंड C3 goes to C3 - again कितना C1।
अब देखेंगे ये वन है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स हो जाएगा ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे और माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस कितना हो जाएगा, एक्स मैं रफ में करके आप लोग को दिखाता हूँ, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा ना, एक्स है ना, एक्स स्क्वायर पहले से है, इसमें से ये जा करके घटेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, इसमें से एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, एक्स माइनस वन, चाहिए हमको वन माइनस एक्स ना, तो अगर माइनस एक्स कॉमन ले लेते तो ये वन हो जाता और ये क्या हो जाता है, एक्स हो जाता। तो हमने वही किया जो क्वेश्चन का डिमांड था, माइनस एक्स कॉमन ले लिया। अब देखेंगे हुआ इस कॉलम में इसको घटाने जा रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इस कॉलम में से इसको घटाएंगे तो देखेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स कॉमन ले लीजिए, वन माइनस क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है सभी बच्चे को। फिर देखिए इसमें से ये घटेगा तो वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे कि कॉलम नंबर इसको क्या बोलते हैं, सी वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना, देख रहे हैं ना, सॉरी सॉरी इसमें से इसको घटाएं यहां तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स। अब देखेंगे कॉलम वन और ये क्या है, कॉलम टू और कॉलम थ्री, कॉलम वन स्टॉप है, इसमें से क्या घट रहा है, वन माइनस एक्स कॉमन आ रहा है ना, इसमें से वन माइनस एक्स आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको मिटा दूं, तो लिखेंगे टेकिंग वन माइनस एक्स क्या कॉमन, कहां से, फ्रॉम सी टू एंड सी थ्री दोनों से ना, तो क्या पहले से ये हमारा वन माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है ना, बच क्या रहा होगा हमारा, यहाँ देखते हैं वन एक्स स्क्वायर एक्स, इसमें क्या बच रहा होगा, ये तो जीरो है ना, ऊपर जीरो है ना, यहाँ पर क्या वन प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स, अब इसमें जीरो, इसमें एक्स और इसमें वन बच रहा है। अब देखिए दो जीरो किसमें दिख रहा है, फर्स्ट रो में दिख रहा है ना, किसके लोग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग एलोन कितना हुआ आर वन, तो क्या बच जाएगा आपका वन माइनस एक्स का तो स्क्वायर ऑलरेडी है, वन एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर ना, अब देखिए इनटू में वन होगा, ये रॉय कॉलम ढक जाएगा, ये इससे गुना होगा तो वन प्लस कितना, और माइनस फॉर्मूला का होता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा, पावर देखिए वन है और इस पे भी पावर कितना है वन है, तो बचपन में शायद आप लोग पढ़े होंगे कि अगर बेस समान हो तो घात क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा। अब देखेंगे कि अभी प्रीवियस में ही पढ़े थे कि अगर इसको कह दें ए और इसको क्या बोल दें, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, पढ़े हैं उसको हम लोग ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, याद होगा अभी प्रीवियस में ही जब स्टार्ट किए थे तो ये किसके बराबर था, वन माइनस एक्स क्यू के बराबर था ना, इसको क्या लिख देंगे, वन माइनस एक्स क्यू और उसका क्या है स्क्वायर, क्या हो गया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 12, अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे
13 देखेंगे, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, 13 नंबर, हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड पूछी है इस क्वेश्चन को, पिछले बार नहीं पूछी है, पिछले से पहले पूछी थी, बी 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना है 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हुआ होल क्यूब, यही आपका क्वेश्चन है ना, सोचो क्या सोच सकते हो, कुछ भी नहीं, चलिए 1 प्लस क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर 1 प्लस क्या है और माइनस कितना है, अगर इसमें हम लोग 2b स्क्वायर कहीं से ला के जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर होगा, हल करने पर क्या रिजल्ट का एक पार्ट बन रहा है, तो चलो इसको क्या कहते हैं R3 बोलते हैं, R3 को b से गुना करके और इसमें जोड़ दें तो देखिए 2b स्क्वायर आ रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर से देखते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर है चाहिए क्या और प्लस बी स्क्वायर, ये 1 निगेटिव बी स्क्वायर है एक निगेटिव है, तो इसमें अगर हम 2 पॉजिटिव जोड़ दें सेम चीज तो एक पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, तो हमने क्या बताया 2b स्क्वायर कहीं से ला करके जोड़ दें तो आ जाएगा, तो ये लाएंगे तो हम कहां से लाएंगे, तो इसको देखिए b से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, किस जोड़ देंगे तो पूरा जाएगा, ये क्या था R1 था और ये क्या था, तो R3 में b से गुना करके किस में जोड़ दें, समझ में आ रही है बात, चलिए अब देखेंगे 2ab है ना, जीरो और भी लाने का कोशिश करते हैं, अब इसको देख रहे 2b है ना, अगर इसको a से गुना कर दें तो 2ab आएगा और इसमें घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या था R2 था ना, R2 ने किसको घटा है R3 को क्या करके a से गुना करके, समझ में आ रहा है ना, अब उसको मैं लिखता हूं, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना, अप्लाइंग R1 गोज टू R1 प्लस बी ऑफ कितना हुआ R3 एंड R2 गोज टू R2 माइनस a ऑफ कितना R3, अब मैं जो बता रहा हूं आप लोग देखेंगे रफ में करता जाऊंगा डायरेक्ट लिखता जाऊंगा, इसको b से गुना किए थे कितना जोड़े थे कितना आ गया था 2b स्क्वायर होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं हम लोग, चलिए इसको मिटा दो ना, चलिए अब इसको कितना से गुना कर रहे होंगे बी से ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab है और इसमें जोड़ेंगे तो प्लस 2ab क्या हो गया जीरो, खत्म हो गया, इसमें देखिए ये क्या है आपका, इसको किससे गुना कर रहे हैं b से ना और किसमें जोड़ रहे हैं इसमें, तो रफ में देखिए 2b लिखा हुआ है आपका पहले से, इसको b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा और सबको ले जाकर जोड़ेंगे ना तो ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर, बी से गुना कर रहे हैं तो माइनस बी क्यू, यही रिजल्ट देगा, समझ में आ रहा है, देखेंगे 2 निगेटिव में और 1 पॉजिटिव में क्या देख लेकर के देगा आपको, क्या निगेटिव कौन निगेटिव, तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यू आएगा, जरा गौर से देखो सब में बी कॉमन आ रहा है, सब में माइनस भी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो माइनस बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है बाबू, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग माइनस बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी बच्चे सीख रहे हैं ना, अब फिर क्या कर रहे हैं इसको कितना से गुना कर रहे हैं ए से ना और इसमें घटा ए से गुना करिएगा तो क्या होगा 2ab होगा ना, 2ab पहले से यहाँ पर है और 2ab जाकर के घट जाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जीरो हो जाएगा,
मेरी ख्याल आते सही है ना? हाँ चलो अब देखते हैं इसको किससे गुना कर रहे हैं, कितना से a से, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस में, और घटाएंगे तो जाकर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो गया 2a स्क्वायर, किसमें घटा रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको गुना किए माइनस कितना से a से, तो माइनस 2a स्क्वायर, और उसमें जाकर के घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा 2a स्क्वायर। जरा इस दोनों को देखिए तो क्या बच जाएगा, अब एक घट जाएगा इससे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या, क्या ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए, नहीं ना। अब देखिए इसको पुनः किससे गुना कर रहे हैं हम लोग और किसमें घटा रहे हैं जाकर के, तो 2a पहले से है आपको, घटाएंगे तो इस सब का चिन्ह बदल जाएगा ना, जैसे देखिए ना माइनस करेंगे इसको a से गुना करेंगे ना a, इसको a से गुना करेंगे माइनस ए क्यू, इसको a से गुना करेंगे माइनस ए बी स्क्वायर, चलो 2a हो गया माइनस ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, टू से एक घटा लेंगे एक होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सब में ए कॉमन ले लेते हैं, वन प्लस ए क्यू ना, ये ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, तो देखिए ये भी रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप ए कॉमन लेकर के वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना, आप इसको लिखते हैं टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, किसी बच्चे को दिक्कत, इन सारी चीजों को मिटा दूं ना, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसे बोलते हैं आर वन, क्या बोलते हैं R1. और इसे बोलते हैं आर टू, इसमें कॉमन दिख रहा है जी। क्या दिख रहा है, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर आकर के ये वेट करेगा ना, कहेगा यार तू भी आ जा ना, तो एक एक कितना दो स्क्वायर हो जाएगा, तो उन चीजों को मैं यहाँ लिख दूं, टेकिंग वन प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये समझ गए ना क्या लिखा हुआ, हाँ फॉर्म कहाँ से आर वन एंड, कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ इसका होल स्क्वायर, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं ना, अब यहाँ पर क्या बचेगा वन बच जाएगा, ये कॉमन लिखा हुआ है बेटा सी ओ अड्यास मतलब मन ना, चलिए ये क्या हो गया जीरो, ये क्या बच गया है माइनस बी, कोई दिक्कत, चलिए ये क्या हो रहा है जीरो, ये क्या बन रहा है, चलिए ये वन, और ये क्या हो रहा है ए, यही हो रहा है, चलो अब यहाँ पर क्या है टू बी, और यहाँ पर टू ए, और यहाँ पर वन माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, अब तो आप लोग समझ रहे हैं कि क्या करना हम चाह रहे होंगे, अब कुछ नहीं डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं सी वन के लोन, अलोंग सॉरी सी वन ना, चलिए तो क्या करेंगे, ये तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो का स्क्वायर लिखाएगा ही ना, ये वन होता है, होता है ये रो ये कॉलम ढकता है, इसको वन से गुना करते हैं और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर लिखते हैं, काम खत्म, चलिए अब प्लस के बाद माइनस के बाद फिर कितना प्लस टू भी लिखेंगे,
ये रो ये कॉलम ढक देंगे, जीरो माइनस फॉर्मूला का होता है ना, तो माइनस जीरो माइनस माइनस प्लस बी, समझ में आ रहा है? डिटरमिनेंट एक ऐसी चैप्टर है जिसमें फॉर्मूला नहीं एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। अब देखो बुआ, ये वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर होगा, जरा जोर घटाव का अपना देख लो अभ्यास सही है कि नहीं, कभी सिखा है ना जोर घटाव आप लोग? नहीं सिखा कोई बात नहीं है, है ना? चलो वन निगेटिव टू पॉजिटिव थ्री निगेटिव नहीं ना, हाँ वन क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो वन प्लस कितना, और सेम प्रोसेस इसके साथ भी है ना, तो प्लस क्या है बी स्क्वायर। अब तुम लोग तो लिखना चाह रहे होगे कि बी समान है तो घात जोड़ देंगे, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या क्यू पी आर ओ वी ई डी एक सबसे आसान वर्ड है, आप लोग लिख लेते होंगे हैं, तो यहाँ तक मैं किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ जितना पहले से, फिर बचेगा देखा जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं होगा कोई बात नहीं है, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस वन, प्रूफ करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना सी स्क्वायर, यही कह रहा प्रूफ करने के लिए, तो इसके प्रूफ को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।